अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमज़ा एकेडमी। आज हम फिर से क्योटेक्स पे अपनी लाइव ट्रेडिंग करेंगे। कोशिश करूंगा कि जो भी ट्रेड लूं आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोगों को समझ आए। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड है और बहुत से लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखकर अर्निंग करना स्टार्ट की है, पैसे बनाना शुरू किए हैं। ठीक है, देसी सा मेरा तरीका होता है सिखाने का, तो कोशिश करता हूँ कि यार सिंपल वर्डिंग में, सिंपल लैंग्वेज में जो है वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपने अभी तक क्योटेक्स ज्वाइन नहीं किया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह से एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप क्योटेक्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे लिंक से ज्वाइन करने का फायदा ये होगा, अगर आपके अकाउंट के साथ कोई इशू आता है, अकाउंट ब्लॉक कुछ भी होता है, तो वो मैं रिजॉल्व करवा सकता हूँ। ठीक है जी, अभी अपना क्योटेक्स का प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं। ओके गाइस, तो मैं अपने क्योटेक्स के प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है जो 2000 जो है बैलेंस है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंट मैनेजिंग जो है हमने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, इसकी जो इंफॉर्मेशन जो भी है वो आपको सारी व्हाट्सएप में मिल जाएगी। अब मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। ओके, अच्छा जी, पिछले कुछ टाइम से जो ट्रेंड जा रहा है, अल्लाह भला करे आपका, वो आपका जा रहा है जी। ठीक है, पहले मैं TL लगाता हूँ और उसे पूछ लेता हूँ कि यार वो मुझे क्या बोलना चाह रही है। ओके, तो यहाँ पे जो है आके अपनी TL करते हैं ड्रॉ। सही है जी, तो एक तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो उसके बाद कुछ लेवल सेवल्स हम देखेंगे, और इसको भी मैं कुछ एक और भी ज़रा मैं यहाँ से भी इससे भी कंफर्मेशन ले लूँ कि यार ये मुझे क्या बोलना चाह रही है। ओके, यहाँ पे जो है, ओके यहाँ से मार्केट ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी है, तो इसको मैं फिलहाल ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे लेवल शेवल हमारे कहाँ बनते हैं, अल्लाह भला करे। तो ये आपका एक लेवल बड़ा प्यारा बन रहा है इस जगह पर। ठीक है जी, सो यहाँ पर हम जो है वो पकड़ सकते हैं अपनी ट्रेड, अगर मुझे कोई ऐसी कैंडल मिलती है जिसके बिहाफ पर मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर सकूँ। प्राइस एक्शन कैंडल्स जो हमारी होती हैं, तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है जी, सो अकाउंट मैनेजिंग जो होती है उसमें मैं आपको एक बता दूँ कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से जो है हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट जितना भी एक टारगेट होता है उतना हो जाए तो फिर हम बंद कर देते हैं। ठीक है जी, लॉस जो होता है, लॉस का भी एक होती है, उसकी अपना स्टॉप लॉस भी हमने रखा होता है, तो उस हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है जी, सो काफ़ी सारे अकाउंट मेरे पास हैं और जब भी ट्रेड करता हूँ तो मिनिमम 800 से 1000 डॉलर तक हम जो है प्रॉफिट वो डेली निकाल के देते हैं। सो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्लाह भला करे। तो यहाँ से कैंडल रिवर्स हुई है, मैं ज़रा यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर देता हूँ कि यार लेवल आया कि उस पर रीच की है, किया है कैंडल ने कि कोई नहीं किया। अगर नहीं किया तो वेट करेंगे, अगर किया तो दरअल्ले से ट्रेड लगा लेंगे। तो यहाँ पे लेवल ओके हो गया यार, रीच तो हो गया, रीच हो गया तो ओके करो। तो यहाँ पे ट्रेड मेरी लगती है, डेफिनेटली लगती है। एक मिनट है जो पहले, नहीं, ये बहुत बड़ी कैंडल होगी। अब मेरे पास कोई पैटर्न शैटर्न नहीं है, अब मेरी ट्रेड यहाँ पे नहीं लगती, क्योंकि मैं वेट का ट्रेड जो होती है ना, वो प्रॉपर जब सिग्नल मिलता है, प्रॉपर पैटर्न मिलता है, रिवर्सल साइन, कंटिन्यूशन साइन, ब्रेकआउट कुछ भी, उस प्रॉपर को देख के करता हूँ। यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल है, तो ऐसी जो है जब मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन ना मिले, मेरे मतलब की कैंडल ना मिले, तो मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है भाई लोगों, तो यहाँ पे जो है वो अभी ब्रेकआउट हो गया है। सो लेट मी चेक इट फर्स्ट कि यार यहाँ पे मैं अगर 5 मिनट में जाके देखूँ कि यार यहाँ पे और कौन सा लेवल यहाँ पर मौजूद है। सो लेट मी चेक, ओके एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है, वो ये कि 1 2 3 4, ठीक है जी, 5 मिनट की यहाँ पे मेरी कौन सी ट्रेड होगी, अब की ट्रेड होगी। अब मैं यहाँ पे अब की ट्रेड लूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारी मुझे कैंडल मिली है। एंट्री मेरी 5 मिनट की होगी और कैंडल भी मेरी यहाँ पे 5 मिनट की सिलेक्ट है। ओके, सो एक मिनट है जो यार, एक मिनट पे जाके देखता हूँ मैं। 25 22 24 और 25, ठीक है। तो यहाँ मैं अब की ट्रेड लूंगा, अभी नहीं। ट्रेड में कब लूंगा कि यार जब ये वाली एक मिनट यार, मैं इसको 5 मिनट में जाके देखूं, बल्कि 5 मिनट में छोड़ो, अगर यहाँ से अगली 2 कैंडल्स या यहाँ तक कोई भी कैंडल आती है, मैं आपके लिए जाऊँगा। क्योंकि 5 मिनट में मुझे एक बड़ा प्यारा एक हैमर मिला है जो इस नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन में बनाएगा। ये देखो, अगर अगले ये 3 मिनट देखो, मैंने यहाँ पे टाइमर स्टार्ट किया, 3 साढ़े 3 मिनट यहाँ पे हैं।
अगर 3 मिनट से पहले पहले यहाँ तक कैंडल आ जाती है तो मैं यहाँ पे आके ट्रेड लूंगा, अगर यहाँ तक आती है तो, अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ये बड़ा प्यारा एक पैटर्न मिला है हैमर में वो 5 मिनट्स में, और यहाँ पे लेवल से इसने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है 3 मिनट में। अगर यहाँ पे यहाँ तक आ जाती है तो यहाँ मैं अप के लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई ट्रेड शेड कोई नहीं लूंगा, पहले बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्रेड शेड कोई नहीं लूंगा। क्योंकि जो है जो हमारी थिंकिंग है वो ये है कि इस कैंडल ने ग्रीन में क्लोज होना है, अगर हम वेट करते हैं यहाँ तक आ जाती है तो फिर हम अप के लिए जाएंगे, अगर नहीं आती तो इट्स ओके हम किसी और पेयर में देख लेंगे। अगर मैं जो वेट करता हूँ ना ट्रेड में, ट्रेड नहीं लगाता वेट करता हूँ, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद है कि यार आप लोगों को समझ आ जाती है कि यार मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा, वेट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी वहां पे अपनी ट्रेड अवॉइड करोगे, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि यार कोई जो है आप लोग कोई गलत ट्रेड ना ले लो, जल्दबाजी में ट्रेड ना ले लो, हर दूसरी कैंडल पे ट्रेड लेने के लिए जाओगे मुंह की खाओगे, 2 दिन करोगे तीसरा लॉस ही होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे जो है हम प्रॉपर वेट करके ट्रेड लेते हैं, अपने मतलब के पैटर्न पे हम ट्रेड लेते हैं, या असल में एक ही ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो टाइम थोड़ा सा मेरे पास शॉर्ट है, एक ही ट्रेड में यहाँ पे लूंगा, या फिलहाल $500 की ले लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे तो फिलहाल मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मैं यहाँ पे फिर अपना चेंज कर देता हूँ, फिर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ओके यहाँ पे टाइम जो है वो मैं दोबारा से इसको 1 मिनट पे ले आता हूँ, क्योंकि फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं है, तो इसीलिए हम टाइम वगैरह जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो लेवल मेरा यहाँ पे है जी, यहाँ पे लेवल ऑलरेडी कैंडल ने रीच किया है, लेकिन मुझे मेरे मतलब की कैंडल नहीं मिली यहाँ पे, तो इसको मैं 1 मिनट पे, अच्छा 1 मिनट पे, यहाँ पे 2 मिनट छोड़ रहे मेरे पास, इट्स ओके, इसको ज़रा वेट करता हूँ इसके क्लोज होने का, तो फिर ही हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मेरी कोई ट्रेड नहीं बन रही यार, क्योंकि यहाँ पे रेड में कैंडल्स जा रही हैं तो मेरी कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रही, पेयर चेंज कर लेते हैं यार। ओके 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 $500 मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि एक ट्रेड लूँ और अपना बिल्कुल परफेक्ट अपनी ट्रेड प्लेस करूँ, ठीक है जी। लेट हो जाए मसला नहीं है, लेकिन ट्रेड मेरी परफेक्ट हो। तो यहाँ पे एक लेवल है, ये डोजी मिली है, फिलहाल यहाँ पे भी कोई एंट्री मेरी नहीं बनती, मुझे कोई रिवर्सल साइन नहीं मिला, मैं जरा थोड़ी देर के लिए जो है वीडियो अपनी स्टॉप करता हूँ। अच्छा जी, वीडियो थोड़ी देर के लिए मैंने स्टॉप की थी, तो यहाँ से मैं इसको 1 मिनट पे जाता हूँ। ओके जी, दोबारा से पिछले पेयर्स में जाते हैं। ओके यहाँ पे लेवल तो फिलहाल मैं ज़रा पीछे देख लूँ कोई लेवल है, अगर है तो बेटर हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से टर्न आपका जा रहा है, रिवर्सल हम पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं है लेवल, छोड़ दो इसको। इस पेयर भी मैं फ़िलहाल ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिवर्सल पकड़ने के चक्कर में रोला हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं जी, सबसे पहले एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो SNR पे ट्रेडिंग वगैरह करेंगे। तो ये एक लेवल है, ठीक है, अभी हम 1 मिनट पे यहाँ से जाते हैं, 1 मिनट में गए। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, सो यहाँ पे जो है वो डाउन की फिलहाल ट्रेड नहीं बनती, 1 मिनट, ये एक लेवल है, हाँ ये लेवल था हमारा, इसको मैं ज़रा कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं ड्रॉ इसको इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया जी। अब लेट मी चेक इट के यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ओके आपका था स्ट्रॉन्ग आई है, ओके सही, तो यहाँ पे अगर ये ऊपर दोबारा जाए तो मैं डाउन के लिए यहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा सा ये ऊपर जाए मैं डाउन के लिए जाऊँगा, अभी नहीं, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ट्रेड लेनी पड़ती है, अदरवाइज यहाँ पे लॉस होने के चांसेस होते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का खास ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। अभी नहीं, 6 सेकेंड रह गए टोटल यहाँ पे, लेकिन ट्रेड ये निकल गई है, इट्स ओके छोड़ दो इसको। देखो ट्रेड करो, वेट करके ट्रेड करो, वेट करके ट्रेड करोगे तो फिर ही आप जो है वो प्रॉफिट करोगे, नहीं अगर ट्रेड मिस हो जाती है तो यार छोड़ दो, क्या हो गया, मिस हो गया तो अगली फिर ट्रेड मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, एक ट्रेड मिस होती है तो आप वो ना करो कि यार ट्रेड मिस हो गई है तो और ट्रेड मिल जाएगी आपको, यार क्या हो गया, लेकिन जो भी ट्रेड लो प्रॉपर वेट करके ट्रेड लो, मजा तो तब है ना वेट करके ट्रेड लो, ताकि यार आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो। लोग क्या करते हैं, 5 दिन लगा के प्रॉफिट बनाते हैं, एक दिन में सारा का सारा लॉस करके बैठ जाते हैं, तो यही तो मसला है,
ये चीज आपको सीधी करनी है, अपना अपना हाथ आपको यहाँ पे सीधा करना कि यार वेट करके ट्रेड करो। एक लॉस होता है, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, ये काम नहीं करना। लॉस में जो है, लॉस में भी बाज़ औक़ात आपको लॉस लेके भी घर जाना पड़ता है। लाजमी नहीं है कि यार रोज आप प्रॉफिट करोगे, कभी कभार मार्केट सही नहीं होती तो छोड़ दो यार, मत करो ट्रेड उस दिन। आप एक दिन दो दिन रेस्ट दे दो, जब देखो मार्केट मतलब की है तो जुड़ जाओ, सारा निकाल लो जो भी है। तो इस तरह होता है, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, डाउन का यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तो क्या मुझे लेवल मिल सकता है क्या? लेट मी चेक इट प्रीवियसली, 5 मिनट्स में जाके यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोई लेवल मौजूद है, अगर है तो हम पकड़ लेंगे। ओके, परफेक्ट परफेक्ट हो गया जी, वेरी गुड हो गया। ओके, ये क्या लग गया, इसको मैं ज़रा ख़त्म करता हूँ जल्दी से, और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के यहाँ से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं जी। मेजर लेवल हमारा ये है, और इससे जो ऊपर वाला लेवल है वो है हमारा ये, ठीक है जी। अल्लाह भला करे आपका। तो ये दो लेवल मैंने यहाँ पे कर दिए हैं ड्रॉ, अब मैं 1 मिनट में जाता हूँ। ओके, 5 मिनट में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब नीचे तक भी इसने आने के चांसेस हैं। फिलहाल ट्रेड नहीं ले रहा मैं, ओके, इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, फिलहाल यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा। यहाँ पे मेरी ट्रेड होगी ब्रेकआउट पे, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। ब्रेकआउट या इस कैंडल ने किया है, लेकिन ब्रेकआउट की अब मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली। अगर ये कैंडल मुझे ब्रेकआउट की कंफर्मेशन देती है तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले लूंगा, अगर नहीं देती मैं तो मैं वेट करूंगा, ठीक है जी। इसका कैंडल की क्लोज होने का वेट करते हैं, क्या ये रेड में मिलती है? यहाँ नीचे क्लोज होती है तो मैं डेफिनेटली डाउन के लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं कोई नहीं जाऊंगा, ठीक है। वेट करके ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो जल्दबाजी में लॉस होगा। यहाँ पे देखो, अगर आप इसको बोलो कि यार ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे आप डाउन की ट्रेड ले लो, यहाँ तो आपका लॉस हो गया ना, फिर ये ऊपर आ गई है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कंफर्मेशन ब्रेकआउट पे, खास तौर पर ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मोस्टली फेक ब्रेकआउट भी होता है जो आपको लॉस करवाता है, ठीक है जी। तो ऐसे में ट्रेड शेड अपना लो तो बेटर है, कंफर्मेशन लेके अपनी ट्रेड करो आप, कोई भी ट्रेड करो आप। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, अल्लाह वाला। ओके जी, बड़ी अच्छी मेरी यहाँ पे एंट्री लगती है, ले लग गई, लग गई, लग जा। ओके, लग गई है। आई थिंक सो कि मेरा जो रिजल्ट है वो आगे आएगा, जो इससे अगली वाली कैंडल है उस पर आएगा, क्योंकि मेरी ट्रेड 1 सेकेंड आई थिंक लेट प्लेस हुई है। इट्स ओके, यहाँ पे बहुत प्यारा इंगल्फिंग पैटर्न मिला, यहाँ से इसने रिवर्स होना है, तो हमने डाउन की ट्रेड प्लेस की है, तो लेट्स सी। यहाँ पे ये अच्छा हो गया क्योंकि ट्रेड मेरी काफी जो है वो लेट प्लेस हो गई थी। ओके, यहाँ से अब इस कैंडल ने रिवर्स होना है, क्यों रिवर्स होना है मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखो यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न मिला। अगर यहाँ से आप 5 मिनट की ट्रेड लेते तो फिर भी आप विन करते। ये देखो, ये बहुत प्यारा पैटर्न है, कहाँ पे मिला? टॉप पे मिला है, ये देखो बिल्कुल टॉप पे मिला है, मार्केट शूटर से ऊपर गई है, टॉप पे मिला इंगल्फिंग पैटर्न। तो यहाँ से अब इस कैंडल ने अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग नीचे आना है, रिवर्स होना है। क्यों रिवर्स होना है? वो इसलिए रिवर्स होना है, रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न और यहाँ से दो कैंडल नीचे आई हैं, लेकिन यहाँ से एक लेवल भी है, इस कैंडल ने इसको रिस्पेक्ट दी है, तो मेरे साथ इस कैंडल को नीचे आना चाहिए। वेट करते हैं जी किस तरह बनता है जी। ओके, यहाँ पे आपकी 5 मिनट की एंट्री बहुत अच्छी लगती है इस पैटर्न के बाद। इंगल्फिंग पैटर्न है, बहुत प्यारा पैटर्न है। यहाँ पे 1 मिनट की एंट्री, 1 मिनट की तो आपकी विन हो गई है, इसके बाद 5 मिनट की भी आपकी यहाँ पे ट्रेड विन होनी थी डेफिनेटली। तो ओके, विन कर चुके हैं हम, हालांकि छोटे से मार्जिन से विन हुआ है, बट विन हमारे यहाँ पे हो चुका है। अभी कुछ टाइम तक हमारा बैलेंस जो है वो एड हो जाएगा, यहाँ पे हम विन कर चुके हैं जी। यहाँ पे ये देख लो, विन कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था, 5 मिनट की ट्रेड भी हमारी काफी अच्छी यहाँ पे लग सकती है, सही हो गया जी। तो एक और ट्रेड ले लेता हूँ, अपना टारगेट आज का कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अल्लाह भला करे आपका। तो फिलहाल यहाँ पे ट्रेड तो नहीं लग रही यार, फिलहाल यहाँ से मेरी आपकी ट्रेड लगती है, लेकिन टाइम शाइम कोई नहीं है मेरे पास, तो ट्रेड तो नहीं ले रहा मैं फिलहाल। ओके जी, यहाँ पे कहाँ है लेवल? लेवल कहाँ है जी, लेवल कहाँ है जी? ये लेवल है जी, यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैंने किया कॉपी यहाँ से,
ओके, अगर ये थोड़ी सी ऊपर जाए तो गुड हो गया यार, बहुत अच्छी मुझे कैंडल मिली है, तो डेफिनेटली मैं डाउन के लिए जाऊंगा। ओके, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मेरी एंट्री प्लेस हुई है, बिल्कुल परफेक्ट मुझे मेरी एंट्री यहाँ पे प्लेस हुई है। ठीक है जी, नीचे आ जाए, यहाँ से मैं एक अकेली भी ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि ये तो मेरी ट्रेड डेफिनेटली विन होगी, क्योंकि यहाँ से भी ये रिवर्स होनी है, होना है कैंडल ने, कैंडल ने यहाँ से रिवर्स होना है। थोड़ा और नीचे आए, मैं अकेले पकड़ूंगा ट्रेड यहाँ से, थोड़ा सा और आ जाए तो ये। ओके जी भाई लोगों, तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेडें यहाँ पे ले ली हैं जी, ऊपर से डाउन के लिए। रीजन क्या थी वो, इसलिए ये कैंडल चेक करो यार, ये जो जब ये वाली कैंडल मिलती है ना, जब ट्रेंड चेंज होता है, तो उसके बाद कंफर्मली जो है इस तरह से एक और कैंडल मिलती है, एक और मिली है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कैंडल भी जो है वो डाउन की तरफ जाएगी। नीचे जो है वो बायर्स हैं, यहाँ पे जो है वो सेलर्स हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस की है। सो लेट्स सी क्या हो रहा है। ओके, तो ओके जी, तो यहाँ पे दोनों ट्रेड विन कर चुका हूँ, एक यहाँ से पकड़ी वो इसलिए कि इसने डेफिनेटली डाउन आना था, यहाँ से इसलिए पकड़ी कि ये सपोर्ट लेवल था, इसको भी इसने रिवर्स करना था, तो ये दोनों ट्रेड विन कर चुका हूँ अभी। अभी इसका रिजल्ट अभी परफॉर्मेंस पे आ जाएगा, ये देख लो यार रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो आज जो है मैंने $1,300 बनाए हैं यहाँ पर, $2,000 के। ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी प्रॉफिट हो डेली के डेली, मैं उसका विड्रॉल जो है, जो जितने भी मेरे क्लाइंट हैं जिनके अकाउंट हैं, डेली के डेली मैं उनको उनका प्रॉफिट उनको भेजता रहता हूँ डेली के डेली। अभी ये मैंने बनाया है, अब ये निकाल के मैं उनको भेज दूंगा, तो इस तरह ये मेरा काम होता है। ठीक है जी, तो ज़्यादा वो नहीं करता मैं, कोशिश करता हूँ कि यार टारगेट कंप्लीट हो जाए तो बंद कर दूँ। यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा मुझे वो मिला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ ली थी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक दे दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब बहुत सारा ख्याल रखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।